नमस्कार दोस्तों, मैं संजय टकसाली। आज हम बात करेंगे करेंसी ट्रेडिंग के बारे में, भारतीय मुद्रा में व्यापार। अगर आप नए निवेशक हैं और स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं या इससे पैसा कमाना चाहते हैं तो करेंसी ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है। वो कैसे है, इसके लिए आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिए लास्ट तक। तो चलिए आज हम बात करते हैं पूरी डिटेल से करेंसी ट्रेडिंग क्या है और इसमें आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं करेंसी ट्रेडिंग, जिसे हम ज़्यादातर लोग कहते हैं फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। इंडिया में फॉरेन ट्रेडिंग यानी कि करेंसी ट्रेडिंग लीगल है, इसे आप स्थायी रूप से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही पेयर्स में, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी और जेपीवाई यूएसडी। एक तो ये चार पेयर्स हैं और बाकी के तीन क्रॉस पेयर्स हैं। क्रॉस पेयर्स यानी कि जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और जेपीवाई यूएसडी। इंडिया में स्पॉट में करेंसी ट्रेडिंग नहीं होती, उसके लिए आपको डायरेक्टली बैंक से डिलीवरी उठानी पड़ती है ट्रेडिंग करेंसी के लिए। इंडिया में करेंसी के तीन मेजर पेयर्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा उनकी ट्रेडिंग की जाती है। एक है यूरो यूएसडी, जिसे हम ज़्यादातर लोग कहते हैं ग्रीन बैंक, जीबीपी यूएसडी जिसे लोग कहते हैं केबल यानी कि पाउंड, और चौथा है जेपीवाई यूएसडी यानी कि जैपनीज येन, और आप आखिर में आते हैं अपना इंडियन रुपी यानी कि रुपया। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं और करने जा रहे हैं तो एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल यही कहता है, हैव पेशेंस। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप में पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस सीखना है आपको तो मैं आपको अपने पर्सनल तजुर्बे से कह रहा हूँ कि करेंसी में एक बार आप ट्रेड करके देखिए। करेंसी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से अच्छी भी है और बहुत अच्छे से पेशेंस सिखाती है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं करेंसी ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है करेंसी ट्रेडिंग करने से पहले। आपके पास जिस भी ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आप करेंसी सेगमेंट एक्टिव करवाएं। अगर एक्टिव नहीं है और अगर ऑलरेडी एक्टिव है तो उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर या जेपीवाई आईएनआर। ये तीन पेयर्स हैं जिसपे ज़्यादातर ट्रेडिंग की जाती है, और एक चौथा है यूरो आईएनआर। एक बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, करेंसी ट्रेडिंग बहुत ही सस्ती है। वो कैसे है ये मैं आपको जल्द ही बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि करेंसी ट्रेडिंग, करेंसी में एफएनडो में ट्रेडिंग कैसे होती है और ये क्यों फ़ायदेमंद है। जैसे ही जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की जाती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, वैसे ही आप करेंसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहाँ 20 और 75 का लॉट चलता है, वहीं करेंसी में 1000 का लॉट चलता है। एक डॉलर की कीमत इंडियन रुपए में यानी कि भारतीय मुद्रा में 71 रुपए के बराबर चल रही है आज की तारीख में। करेंसी के अंदर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक लॉट करेंसी के ऑप्शंस का आपको 500 रुपए तक का भी, एक लॉट करेंसी का आपको 500 रुपए तक का पड़ सकता है। और साथ ही साथ फ्यूचर्स में अगर आप करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट आपको पड़ता है 2 से 2500 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आप लाख रुपए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन लॉट शॉर्ट बाय करने में लगाते हैं, मार्जिन देने में लगाते हैं, वहीं आप 2 से 2500 रुपए के अंदर, करेंसी के अंदर कितने लॉट्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ज़रा सोच के देखिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ है करेंसी के अंदर कि करेंसी का लॉट 1000 का है, यानी कि एक यूएसडी डॉलर की जहाँ कीमत 71 रुपए है, वहीं आप एक लॉट यानी कि 1000 डॉलर आप यानी कि 71000 रुपए का एक लॉट आप सिर्फ 2500 रुपए में खरीद के ट्रेडिंग कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है करेंसी के बारे में, करेंसी बहुत ज़्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है। सो करेंसी के फीचर्स एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, चलिए दोस्तों समझते हैं। मान के चलिए आपने करेंसी यूएसडी आईएनआर, मान के चलिए आपने यूएसडी आईएनआर के 10 लॉट बाय किए हैं फ्यूचर के। आज के अगर भाव की बात करूँ तो 71.2025 में मान के चलते हैं अपन ने 10 लॉट फ्यूचर के बाय करें, और जिसका अगर अपन ने इंट्राडे के हिसाब से अगर बाय किया है तो हमारा मार्जिन जो लगेगा 10 लॉट के लिए 5 से 6000 रुपये। अगर आप इसको कैरी कर रहे हैं तो आपको 10 लॉट के हिसाब से 2500 रुपये के हिसाब से 25000 रुपये का मार्जिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है करेंसी के बारे में कि 10 लॉट आप बाय कर रहे हैं।
अब चलिए, हमने बाय की है करेंसी का 10 लॉट 71.2025 में। अब करेंसी सपोज बढ़ती है 71.2325 तक पहुंचती है, यानी कि 3 पैसे बढ़ी करेंसी, तो 10 लॉट के अंदर आप जो करेंसी के अंदर कमाएंगे वो होगा आपको 300 रुपये का मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, 1 लॉट में 1,000 डॉलर होते हैं, यानी कि 71.2025 की जगह अब 71.2325 हो गया है, यानी कि आप 300 रुपये कमाते हैं 10 लॉट के अंदर। यानी कि आप दोस्तों अगर सोच समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि 6,000 रुपये लगा के मैं अगर दिन के 300 से 400 रुपये निकाल रहा हूँ सिर्फ फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करके, करेंसी के कितना परसेंट मुनाफा हो गया, 8 से 9% मुनाफा, वो भी बिना कोई ज़्यादा रिस्क लिए। वो कैसे? एक खासियत है करेंसी की, करेंसी कभी 71 का आइटम एक दिन में 60 या 65 रुपए का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस भी कंट्री की करेंसी गिरती है उस कंट्री में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आया होगा। यानी कि हम एक्सपेक्ट करें अगर यूएस यूके की, उनकी अगर करेंसी बढ़ रही है तो उसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है, लेकिन जिस भी देश की करेंसी गिर रही है, यानी कि रुपया गिर रहा है, यानी कि 71 का आइटम 72 हो रहा है, उस कंट्री में कोई ना कोई बुरी खबर है। और स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी खासियत है कि इधर बुरी खबर का इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है और अच्छी खबर का इम्पैक्ट आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यही एक करेंसी की बहुत अच्छी खासियत है जो आपको पेशेंस का एक बहुत बड़ा लेसन सिखा सकती है। और साथ ही साथ अगर आपको आर्बिट्रेज करना है करेंसी के अंदर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में 3 पेयर्स लीगल हैं, GBP USD, यूरो USD और JPY USD, और हम साथ ही साथ यूरो UINR, GBP INR और JPY INR में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इन दोनों पेयर्स के साथ, यानी कि इन दोनों को क्रॉस पेयर जिसे मैं कहते हैं, यानी कि इन दोनों क्रॉस पेयर्स के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे? सपोज आपने GBP INR बाय किया और आपने साथ ही साथ GBP USD भी सेल कर दिया, और मंथ के एंड तक आपको इन दोनों के बीच का जो भी स्प्रेड आप कमा के घर लेके जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी खासियत है करेंसी की। जी हाँ दोस्तों, और स्प्रेड की अगर मैं बात करूँ तो एक स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड की अगर हम बात करें करेंसी के अंदर, 10 से 15 पैसे का स्प्रेड करेंसी आपको आराम से दे देती है। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15 पैसे, यानी कि 10 लॉट के अंदर आप 1,500 से 1,000 रुपये का स्प्रेड कमा सकते हैं, वो भी विदाउट एनी रिस्क। ये बहुत अच्छी खासियत है करेंसी के अंदर। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। करेंसी के बारे में और जानने के लिए मैं आपको जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगा। के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो करेंसी ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।